हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DTN O3+ की किट के साथ आपको क्लीनअप किस तरीके से करना है एंड टीनेजर गर्ल्स के ऊपर आपको क्लीनअप किस तरीके से करना है। जैसे कि आपको पता है अभी समर का सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में टैनिंग पड़ना आम बात है, तो टैनिंग को रिमूव करने के लिए एक अच्छा सा आपको फेशियल किट चाहिए, तो आप O3+ की D10 किट परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है एंड बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आपके स्किन को देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जो भी बिगनर्स है वो जो मेरी वीडियो को देखकर सीखना चाहते हैं, अगर आप स्किप करके देखोगे आपको कोई से भी प्रोसेस समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने टाइम तक आपको अप्लाई करनी है एंड उसमें कैसे मसाज देने हैं एंड कैसे उसको क्लीन करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक हेयर बैंड लगा देनी है जिससे हेयर आपको डिस्टर्ब ना करें एंड टॉवल रैप करके अब अच्छे से उनके फेस को पहले आपको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेनी है एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा क्लींजर। क्लींजर को आपको इस तरीके से अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे आप चाहें तो हमारे हैंड में बहुत ज़्यादा हीट होता है एंड समर का सीज़न रहता है, तो आप चाहें तो इस तरीके की जो मशीन आती है, मीनिंग जो फेशियल किट या फिर आपको मैनीक्योर पेडिक्योर किट के साथ मिलती है एंड ये आप ख़रीद सकते हैं। इससे आपको बहुत इजी हो जाता है अपनी स्किन को क्लीन करना। इससे आप स्क्रब कर सकते हो, इससे आप क्लींजिंग कर सकते हो, ये बहुत ही ईजी है एंड इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, याद रखिएगा इसको हमको स्किन के अंदर अब्सर्व नहीं करानी है, इसको हमको बस उनकी स्किन की बाहर लेयर को हमको क्लीन करनी है एंड अच्छे से इसको 2 मिनट तक आपको लगा लेनी है एंड मशीन से आपको स्क्रब कर लेनी है एंड उसके बाद उसको आपको पोंछ लेनी है अच्छे से। फिर उसके बाद आपको आ जाना है सेकेंड स्टेप पे। हमारा सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्क्रब। स्क्रब आप पहचानेंगे कैसे, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ओपन पोर्स को ओपन करने के लिए होते हैं। जो भी हमारे पोर्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे डस्ट होते हैं, डेड सेल्स रहते हैं, उसमें ब्लैकहेड होती हैं, वाइट हेड होते हैं, तो उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक दानेदार प्रोडक्ट होती है जिसमें रेत की कड़ की तरह इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, ये स्क्रब होता है एंड स्क्रब को इस तरीके से आपको अच्छे से लगा लेनी है एंड इसको आपको हल्के हाथों से उनके फेस पे मसाज करनी है, एक्सफोलिएट करनी है अच्छे से इस तरीके से राउंड राउंड मोशन में एंड याद रखिए इसको आपको ज़्यादा एकदम प्रेशर के साथ नहीं करनी है। अगर आपकी जो क्लाइंट है उनका सेंसिटिव स्किन रहा तो उनका अंडर आइस है एंड उनकी जो लिप एरिया है, माउथ एरियाज है, वो छिलने का डर होता है, तो आपको यहाँ पे हल्के हाथों से ही उनको स्क्रब देनी है। जितनी प्रेशर आपके हाथों पे एक नेचुरली होती है, आपको उसमें ओवर प्रेशर नहीं देनी है एंड आप मेरी हैंड पे ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आपको इसी तरीके से क्लीनअप में आपको स्टेप देनी है। बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप एंड बहुत ज़्यादा मसाज नहीं होता, ये ओनली क्लीन करने के लिए होता है उनके फेस को, तो इस पर ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में आपके क्लीनअप जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको स्किन पे नहीं देना होता, क्योंकि जो आपके क्लाइंट है वो 25 से नीचे ही होते हैं क्लीनअप लेने वाले, और उस कंडीशन में उनकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं रहती कि आप उसको बहुत ज़्यादा, उनको नीड भी नहीं रहती बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाज की, तो आपको हल्के हाथों से ही करनी है एंड हल्के हल्के टाइमिंग तक ही करनी है एंड उसके बाद आपको स्टीम दे देना है। स्क्रब लगाने के बाद आपको स्टीम देना है उनके फेस में, जिससे कि उनकी जो भी ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, अच्छे से रिमूव हो जाए, डेड सेल्स अच्छे से निकल जाए। आपको ब्लैक हेड एंड वाइट हेड जो भी रिमूव करना है उसके लिए आप इस तरीके से मशीन का यूज़ कर सकते हैं, पिन से भी कर सकते हैं, बट वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। उसके लिए आप इस तरीके से मशीन लीजिए, ये इसलिए आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज ज़रूर कर लीजिएगा एंड इस तरीके से सेकेंड मशीन है हमारे पास, जिससे आप बहुत ही इजीली अपने फेस के ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से
एंड इससे उनके फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी लगेगा एंड उनके जो चीक एरियाज पे भी छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी बहुत ईजिली इससे निकल जाते हैं। तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए अगर आप एक ब्यूटिशियन हो और आपने अभी अपना न्यू सैलून ओपन किया है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से उनके फेस की डस्ट को निकाल लेनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डस्ट होता है वो जमा होता है। फिर उसके बाद उनके फेस को आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है टिश्यू पेपर से। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने अभी उनके फेस की जो भी पोर्स है उसको ओपन किया, उससे डस्ट हमने निकाला, तो हम पोर्स को ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ सकते। अगर हमने ऐसे ओपन छोड़ा तो उसमें काफ़ी सारे डस्ट चले जाएंगे एंड उनके फेस पे और ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम आएगा। तो उसको हमको क्लोज करने के लिए इस तरीके से हम क्रीम लेंगे एंड क्रीम से उसको हम अपर डायरेक्शन की ओर मसाज करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं पूरी प्रोसेस में फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, अपने हथेली का यूज़ आपको नहीं करना है। हमारे हथेली से बहुत ज़्यादा हीट उनके फेस पे जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखते जाइए ध्यान से कि मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का आपको पानी टच करते रहना है, जिससे कि एकदम ज़्यादा ड्राई मत हो। अगर ड्राई होगा तो आपकी क्लाइंट को ईचिंग होगा, थोड़ा सा उनको रूखापन लगेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी टच करते रहना है। इससे पानी को टच करने से आपके हाथों की टेम्परेचर भी थोड़ा सा मेंटेन होगा एंड थोड़ा सा उनके फेस पे जो क्रीम है उस पर थोड़ा सा स्लिपीनेस भी आएगी, जिससे कि ईजिली आप उसको अप्लाई कर सकते हो ऊपर की ओर इस तरीके से। एंड इस तरीके से उनके फेस पे आपको देखना है प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ होती है। आईब्रोज़ के सेंटर पे, आईब्रोज़ के कॉर्नर पे, हमारी आईबॉल के जस्ट नीचे एंड हमारी ईयर के नीचे, ये सारे हमारे प्रेशर पॉइंट होती है। तो प्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस करते हुए उनको मसाज देनी है आपको इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो क्लाइंट हुए वो अपनी क्लीनिंग के साथ साथ रिलैक्स फील करने के लिए आपके सैलून में एंटर करते हैं। अगर आप उनको रिलैक्स फील कराते हैं तो वो कभी भी आपको छोड़ के दूसरे सैलून पे नहीं जाएंगे। आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट आपके अपने ही बन के रहें, तो आपको उनको इतना रिलैक्स फील कराना है कि उनको सुकून मिले और वो दोबारा आपके सैलून में आए। इस तरीके से प्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस ज़रूर करना है। जब भी आप प्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे, आप देखना आपकी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। एंड इस तरीके से डैप डैप करके उनको वाइब्रेट ज़रूर करना है उनकी फेस को। एंड इस तरीके से अपलिफ्ट करनी है आपको ऊपर की ओर इस तरीके से। उसके बाद अच्छे से आपको 3 से 4 मिनट का मसाज कर लेनी है एंड उसके बाद आप इसको क्लीन कर दीजिए इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे अब पैक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप यहाँ पे पैक का यूज़ मत करिए। अब यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं जेल का भी यूज़ करती हूँ एंड इसके बाद मैं फेस पैक को अप्लाई करती हूँ। तो आप इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए इस तरीके से। अच्छे से जब क्लीन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैं जेल का भी यूज़ करूँगी, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी आपकी क्लाइंट। इस तरीके से आपको जेल दे देनी है एंड इसको आपको 2 से 3 मिनट तक ही उनके फेस पे मसाज करनी है। इससे बहुत ही कूलिंग इफेक्ट उनके स्किन पे आएगा एंड उनके स्किन पे ग्लो भी आएगा इससे। तो इसको आप स्किप मत करिएगा इस तरीके से। अगर आपके क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप 4 प्रोडक्ट के साथ ही इस क्लीनअप को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी क्लाइंट आपको अच्छे चार्जेस दे रहे हैं तो यहाँ पे आप 5 स्टेप के साथ ही उनके क्लीनअप को कंप्लीट करिए। इससे आपके क्लाइंट को भी बहुत अच्छा फील होगा एंड आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने अपना बेस्ट दिया। एंड इसको आपको इस तरीके से राउंड और सर्कुलर मोशन में अपने हाथों को करनी है एंड इसको ऊपर की ओर आपको लिफ्ट करनी है, जिससे आपकी क्लाइंट की जो भी झुर्रियाँ स्टार्ट हो रही है या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है, तो वो सब अच्छे से लॉक हो एंड उसके फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लगे
एंड एक पफिनेस होती है वो भी इससे ख़त्म होती है। तो अच्छे से आपको इस तरीके से मसाज दे देनी है। एंड ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड और किस तरीके की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप मेरे चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इसी तरीके की और ढेर सारी वीडियोज़ जिससे आपको वर्क करने में हेल्पफुल हो आपके लिए। ये वीडियो कैसी लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से आपको इस तरीके से अपलिफ्ट करनी है, अच्छे से मसाज दे देनी है, इस तरीके से नेक को भी आपको अच्छे से कवर करनी है क्योंकि नेक अगर ओपन रहता है तो बिल्कुल भी ऐसा लगेगा आपका फेस अलग से लगेगा एंड उनका नेक जो है वो अलग से डार्कनेस लगती है, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। फिर उसके बाद इस तरीके से मसीन से आप चाहें तो थोड़ा सा वाइब्रेशन के लिए आप मशीन से इस तरीके से इसमें चार डॉट्स होते हैं बॉल्स की तरह होते हैं जिससे उनकी फेस पे एक फ्रीक्वेंसी से जाता है जिससे कि उनकी पिंपल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से आप उनको वाइब्रेशन के साथ इस तरीके से राउंड राउंड आप उनको थोड़ा सा मसाज दे दीजिए, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। इसको आपको ज़्यादा देर तक नहीं देनी है, ओनली 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेनी है एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है फेस पैक। फेस पैक को लगा के आप चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर 2 से 3 मिनट तक भी आप लगा के उसको आप क्लीन कर सकते हैं। इसको अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद अब हमारा लास्ट प्रोसेस है फेस पैक। फेस पैक आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से जानी है जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा। बिल्कुल भी डर नहीं रखता। मिलूंगी मैं फिर आपसे और मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।